नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। प्रदेश में दहेज प्रताड़ना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसे सामाजिक कुरीतियों में शामिल किया जा सकता है। दहेज प्रथा सदियों से चली आ रही है। ये प्रथा समाज के लिए नासूर बन चुकी है। कानून प्रतिबंध के बावजूद दहेज प्रथा धड़ल्ले से चल रही है। समय समय पर अनेक समाज सुधारकों और महापुरुषों ने इसे खत्म करने का प्रयास भी किया था, लेकिन ये कुप्रथा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। दहेज प्रथा को कैसे रोका जाए, तो अधिकतम लोगों का उत्तर होगा कि कानून से खत्म किया जा सकता है, लेकिन लगता है कि आज कानून भी इसे रोक पाने में असमर्थ है। हाल ही में जयपुर के दूदू में दहेज प्रताड़ना का एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां खेत में बने कुएं से एक साथ 5 शव मिले थे। आपको बता दें कि प्रताड़ना से परेशान होकर 3 सगी बहनों ने 2 बच्चों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस ने मारपीट और दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोपों में तीनों के पतियों को, सास और ननद को गिरफ्तार किया है। जिस कुएं से तीनों बहनों और 2 बच्चों की लाश मिली थी, उसी कुएं से पुलिस ने तैरते एक नवजात बच्चे के शव को बरामद किया। बता दें कि जिन 3 बहनों की मौत हुई थी, उनमें 2 बहनें गर्भवती भी थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक दहेज का दानव समाज के लोगों को निगलता रहेगा। आज इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बातचीत की है और उनकी राय जानी है। सबसे पहले आपको ले चलते हैं कोटा, जहां हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बातचीत की है और इस पूरे मुद्दे पर उनकी राय जानी है। देश और प्रदेश की बात की जाए तो दहेज के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और दहेज कभी कभी जिस तरह के मामले बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं वो अपराध का रूप लेते हुए जा रहे हैं। क्या कारण है मैडम जो दहेज को समाज में प्राथमिकता दी जा रही है? एक्चुअली अभी तक भी जो समाज में पुरानी जो रीति रिवाज हैं उनसे बाहर नहीं निकले हैं। कहने के लिए बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन विचारधारा आज भी लोगों की वहीं तक संकुचित है। वो आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे। बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सब समझदार हो रहे हैं, लेकिन जहाँ पे लेने की बात आती है, लालच की बात आती है, वो लालच की जो प्रवृत्ति है वो ख़त्म नहीं हो रही है। इसीलिए दहेज की जो प्रथा है वो अभी तक भी समाप्त नहीं हो पा रही है। क्या लगता है सर, अपनी बेटी को ज़्यादा दहेज देने से क्या ससुराल वाले अच्छा खुश रखते हैं? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये पुराने ट्रेडिशनल चले आ रहे थे कि बेटी की सुख सुविधाओं को देखते हुए उनके माँ बाप उनको अपने पास रखने के लिए कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दे दिया करते थे, पर ये उस चीज़ को अब गलत ले लिया गया है दहेज के रूप में। अब वो दहेज आपने दे दिया समाज को दिखाने के लिए कि भाई मैं अपनी बेटी को इतना दे सकता हूँ, इतना ज़्यादा दे सकता हूँ, तो ये देखकर दूसरे लोग भी एक्साइटेड होते हैं कि भाई चलो ये इतना दे ही सकता है बंदा, तो और ले लो। जबकि हमारे कानून है, हमारे पास में धारा 1 मई 1961 को एक दहेज कानून बना हुआ था, जिसके अंतर्गत अगर मान लीजिए आपसे कोई दहेज लेता है तो आप उसके खिलाफ अपना रिपोर्ट दायर कर सकते हैं, और अगर उत्पीड़न किया जाता है दहेज के लिए तो भी 498A के तहत आप उसके लिए भी कानून है हमारे पास में। पर ऐसा लोग नहीं समझते और अपने समाज में झूठा दिखावा देने हेतु वो क्या करते हैं वो लोग कि अपने लगातार दहेज देते हैं, और जिससे दूसरे जो लोग होते हैं, जो दूसरे पेरेंट्स हैं, वो जो लड़के के माफाद पेरेंट्स हैं, वो और दहेज लेने के लिए, और अगर मान लीजिए वहाँ पर उनको उनकी बेटी को कुछ उत्पीड़न होती है, कुछ ऐसे प्रताड़ित किया जाता है, तो भी वो लोग नहीं बताते। वो ये लोग सोचते हैं कि अरे यार अगर बताएंगे तो हमारे समाज में और थू होगी, तो ये छुपाना सबसे गलत है और दहेज देना तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। मैडम किस तरह से दहेज को रोका जा सकता है? सर, दहेज प्रथा को रोकने के लिए माता पिता को जागरूक होना है, लड़कियों को खुद को भी जागरूक होना है। हम ऐसे रिश्तों को मना कर दें जो हमसे मांग करते हैं, और माता पिता को भी समाज के डर से चुप रहने के बजाय वो लड़कियों के बारे में सोचें कि आज वो प्रलोभनवश यदि ये सोचते हैं कि हम इतना अमाउंट दे देंगे तो हमारी बेटी खुश हो जाएगी, तो उस चीज़ को छुपाना छोड़ें, आगे आएं। और सरकार को भी चाहिए कि जो दहेज के लिए जो कानून जो बने हैं उनका अमेंडमेंट जो है वो सही ढंग से हो, दहेज प्रताड़नाओं के जो केसेस हैं उनका निस्तारण सही समय पे हो, त्वरित गति से हो सर। और दूसरा ये है कि कभी कभी जो ये कानून जो है ये हम गलत तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ दहेज के मामले ऐसे होते हैं जो होते ही नहीं हैं, पर फिर भी जो है महिला पक्ष वधु पक्ष की ओर से दायर कर दिया जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होना चाहिए दोनों पक्षों के लिए। सर, बेटा और बेटी समान है, 21वीं सदी में लोग जीवन यापन कर रहे हैं, फिर भी इस तरह की कुरीतियाँ सामने आ रही, क्या कहना चाहेंगे?
सर बेटा बेटी दोनों एक समान ही होता है। हिंदुस्तान एक कल्चर ओरिएंटेड कंट्री है जहाँ पे कन्या को देवियों का दर्जा दिया गया है और दहेज एक हमारी जो हमारा सोसाइटी है उसमें दहेज शब्द एक अब्यूज़ के नाम से जाना जाता है। माता पिता को चाहिए चाहे बेटा हो या बेटी हो उसे आत्मनिर्भर बनाएं कैसे, अच्छी शिक्षा प्रदान करके अपने पैरों पे खड़ा करके, ना कि दहेज लेन देन की प्रथा को बढ़ा करके जो कि कानूनन अपराध है, जिसके लिए कि सरकार को चाहिए इतने ठोस कदम उठाए जाएं कि लेने वाले और देने वाले दोनों को ही नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर उसे बिहाइंड द बार्स हमें पुटअप करना चाहिए। और जिस तरीके से अभी हमारे सामने आ रहा है लोग भी ये चाहते हैं कि बेटा ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बेटियों को कम प्रेफरेंस दिया जाता है, तो आप देखेंगे आज रिश्तों में कितनी दिक्कत होती है गए तोहफों से हो। मैडम 21वीं सदी में बेटियां जीवन यापन कर रही है, फिर भी ये दहेज जैसी चीज़ें आ रही है सामने, किस तरह से बेटियों को बोल्ड होने की ज़रूरत है? सर आज का जो युग चल रहा है उसमें क्या होता है, माँ बाप अच्छे दूल्हे की तलाश में अपनी बेटी को देने के लिए अच्छा दूल्हा चाहते हैं कि उसके लिए वो मुँह मांगी रकम देने को तैयार है। तो मैं उन सारे माँ बाप से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बच्चे लड़की के लिए अच्छे दूल्हे की तलाश नहीं करें, आप ये तलाश करें कि आप अपनी बेटी को किस तरीके से अच्छे से पढ़ा लिखा कर उसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इसके अलावा जो कहते हैं लैंगिक समानता, बच्चों को ये सिखाए कि कोई किसी से कम नहीं है, चाहे आपके यहाँ बेटा हो या बेटी हो, दोनों ही अपने पैरों पे खड़े होकर उन्हें जो है कि बिना दहेज के शादी हो या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो कि कोई दहेज लेना है ना, दोनों तरफ से मतलब इक्वल होना चाहिए। देखिए जो गिफ्ट अगर आप नहीं देंगे तो हमारी सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी, हमारे बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर जो हमने खर्चा किया है और वो आज जिस पोजिशन पर है तो उसके जितने भी फ्रेंड वगैरह आएंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर के बहुत सारे गिफ्ट वगैरह की डिमांड पहले से कर दी जाती है, सारी चीज़ें कर दी जाती हैं और जो लड़की पक्ष वाले होते हैं वो इनकी व्यवस्था में लगे हुए रहते हैं। तो देखा जाए तो ये एक हमारे समाज के लिए बहुत ही गलत निर्णय है और ये दहेज प्रथा पुरजोर तरीके से बंद ही होनी चाहिए। इनके लिए कानून कागज़ में तो हैं लेकिन प्रैक्टिकली रूप से ये सामने नहीं आ रहे अभी तक भी। दहेज एक बड़ी समस्या है और दहेज अगर देश और प्रदेश में बात की जाए तो लोग काफ़ी इसके शिकार भी हुए हैं और ये दहेज की जो समस्या है आगे आकर महिला उत्पीड़न का रूप ले लेती है और महिलाएं इससे लगातार परेशान होती रहती है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। को लेकर चलते हैं बीकानेर, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से इसी मुद्दे पर उनकी राय जानी। आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। महिलाओं को दहेज के लिए प्रेषण किया जा रहा है, आए दिन दहेज के लिए हत्या की जा रही है। इस दहेज के रूपी दानों को रोकने के लिए किस तरह से प्रयास होने चाहिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं उससे बात करते हैं। दहेज को लेकर किस तरह मानते हो? दहेज लेना सबसे बड़ा अपराध की श्रेणी में तो आता ही है। दूसरी चीज़ सामाजिक रूप से हर लोगों की जो एक कैटेगराइजेशन है वो होती जा रही है। दहेज अब बड़े धनाढ्य लोग हैं वो दहेज देख करके खुश हैं और गरीब लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है। मैं तो ये मानता हूँ कि आज के दौर में दहेज लेना पाप है। बेटी दे रहा है, बेटी से बड़ा कोई दहेज नहीं है, बेटी सर्वश्रेष्ठ है। दहेज की बजाय लोगों को जागरूक करें, स्कूलों में विद्यालयों में इन चीज़ों के प्रति कोई जागरूकता फैलाएं, महिलाओं के बीच में इनके प्रति जागरूकता फैलाएं और दूसरी चीज़ कुछ कानून इस तरह के सख्ती से बनने चाहिए ताकि इस पर कार्रवाई भी हो। जो ले रहे हैं दहेज लोभी लोग बहाना बनाकर या किसी और तरीके से गिफ्ट के रूप में वो है एक दहेज का प्रारूप ही, लेकिन दहेज समाज के लिए अभिशाप है। गरीब लोगों की बहन बेटियों के लिए शादियाँ होना, आप क्या मानते हो दहेज को लेकर, जिससे प्रश्न यूथ प्रश्न? सभ्य समाज में मेरा मानना है कि दहेज का कोई स्थान होना नहीं चाहिए। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से राजस्थान में निरंतर घटनाएं हो रही है। अभी हमने रिसेंटली देखा कि जयपुर के अंदर एक ही परिवार के अंदर तीन औरतें, तो तीनों सगी बहनें थी, दहेज के कारण उन्हें परेशान किया गया और उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। तो मेरा यह मानना है कि सबसे पहले यूथ को आगे आना चाहिए। यूथ अगर आगे आएगा, सबसे पहले यूथ अगर इस चीज़ का बहिष्कार करेगा तो समाज के एक अंदर अच्छा संदेश जाएगा और जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो प्रथा चली आ रही है उसको प्रथा का नाम दिया जा रहा है, ये निश्चित रूप से एक सभ्य समाज में एक अभिशाप का रूप है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो आज का जो युवा है वो इस व्यवस्था के एकदम पूर्णतया खिलाफ है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो छोटी मानसिकता के लोग हैं वो इसको निरंतर बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे इन्होंने अभी बताया गिफ्ट के रूप में, ये एकदम सरासर गलत है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो सरकार है अभी वर्तमान में, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे वर्तमान प्रदेश सरकार हो, उनको इसके खिलाफ एक
भयंकर बढ़िया रूप से कानून बनना चाहिए। इनके खिलाफ जो कार्रवाई करते हैं, उनको जो दहेज लेते हैं, जो देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए मेरे से, ताकि अपने बाप अपनी बेटी की शादी खुशलपूर्वक कर सके और खुशलपूर्वक अपनी बेटी को विदा कर सके। क्योंकि दहेज ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे जो लेके जाएंगे, फिर वो उस एक ही आज एक चीज़ के लिए परेशान किए, कल दूसरी चीज़ के लिए परेशान करेंगे, और उसके माँ बाप यदि वो देने के लायक नहीं होंगे तो उसको वो मार दिया जाएगा। तो एक बाप अपनी बेटी को खो देगा, इस अच्छा है कि इसके लिए ऐसा कानून हो जिसमें अमीर गरीब सारी हर कैटेगरी के जो लोग हैं सबके लिए कानून, ऐसा सख्त कानून। जो छोटी मानसिकता के लोग हैं वो इसको निरंतर बढ़ा दे रहे हैं, जैसे इन्होंने अभी बताया गिफ्ट के रूप में, ये एकदम सरासर गलत है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो सरकार है अभी वर्तमान में, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे वर्तमान प्रदेश सरकार हो, उनको इसके खिलाफ एक भयंकर बढ़िया रूप से कानून बनना चाहिए। इनके खिलाफ जो कार्रवाई करते हैं, उनको जो दहेज लेते हैं, जो देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए मेरे से। दहेज के लिए जिस युवतियों को परेशान किया जा रहा है, आप क्या मानते हैं उसको लेकर? सर, मेरे लिए तो ये है कि दहेज प्रथा जो स्टार्ट की गई थी पहले पुराने जमाने से, वो एकदम से खत्म हो जानी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले इसमें जो स्ट्रगल करती है वो लड़कियाँ करती है, वो यहाँ से जाती है, वो सामने वाली बेटी लेकर जा रहे हैं, या फिर दहेज के रूप में उनको उनको खरीद के लेके जा रहे हैं, अपने बेटे को बेच रहे हैं। वो इससे दहेज नाम से जो एक स्पेशल कानून बनाना चाहिए जिसमें चाहे गरीब फैमिली हो चाहे अमीर हो, कोई भी हो, सबके लिए कानून हो, ताकि अपने बाप अपनी बेटी की शादी खुशलपूर्वक कर सके और खुशलपूर्वक अपनी बेटी को विदा कर सके। क्योंकि दहेज ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे जो लेके जाएंगे, फिर वो उस एक ही आज एक चीज़ के लिए परेशान किए, कल दूसरी चीज़ के लिए परेशान करेंगे, और उसके माँ बाप यदि वो देने के लायक नहीं होंगे तो उसको वो मार दिया जाएगा। तो एक बाप अपनी बेटी को खो देगा, इस अच्छा है कि इसके लिए ऐसा कानून हो जिसमें अमीर गरीब सारी हर कैटेगरी के जो लोग हैं सबके लिए कानून, ऐसा सख्त कानून बनाया जाए जिसमें दहेज प्रथा बंद हो जाए। क्या मानते हैं आप इसके लिए? दहेज प्रथा एक बहुत बड़ा अपराध है, इसे बंद करना बहुत ज़रूरी है। पहले तो युवाओं को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अगर वो कह देंगे हमें दहेज नहीं चाहिए, लड़की चाहिए, तो ना माँ बाप मांगेंगे ना कोई, और ये प्रथा एकदम से ख़त्म होनी चाहिए। जो नहीं देता है उस लड़की को जिंदा जला देते हैं, उसको मतलब बहुत दुख देते हैं ससुराल में, हर बात पे ताना देते हैं, तेरे पापा ने ये नहीं किया वो नहीं किया। एक बाप बहुत मजबूर होता है, वो अपने घर बार तक भेज देता है लड़की की शादी में दहेज देने के लिए। अगर ये सारा सिस्टम बंद हो जाए तो लड़कियां कुछ और जागरूक होकर आगे आएगी शादी के लिए, वो भी उत्साहित होएगी। अब लड़कियाँ बहुत डर रही है शादी के नाम से। बीकानेर के लोगों का मानना है कि दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी कुरीति है, उसको रोकने के लिए युवा वर्ग को आगे आना चाहिए, आगे आया तभी ही ये संभव हो सकता है। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। तो अजमेर से हमारे संवाददाता ने लोगों से इस मुद्दे पर उनकी राय जानी और क्या कुछ कहना है अजमेर वासियों का, आइए आपको दिखाते हैं। देश में दहेज प्रथा जो है अभिशाप बनती चली जा रही है, सरकार इतने सख्त कानून बनाती है, बावजूद इसके भी दहेज प्रथा अभी भी अपनी जड़ें जो है कस्बों में गाँव में पनप रही हैं, जिसके चलते कई महिलाओं को, कई जो बालिकाएं, शिक्षित बालिकाएं, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ में अजमेर शहर के कुछ गणमान्य लोग और कुछ जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं, जिनसे इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अंकुश लग सके। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दहेज प्रथा एक अभिशाप बनती चली जा रही है, किस तरीके से इस पर अंकुश लगे? जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है कि यह दहेज प्रथा है ना, ये बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। इसमें जैसे मान लो महिलाओं को इसमें आगे आना चाहिए, महिलाओं को ज़्यादा सपोर्ट पुरुष करेंगे तभी जाके ये दहेज प्रथा का रोक पाएंगे। अभी सुनने में मिल रहा है कई जगह जैसे कि दहेज प्रथा के ऊपर जैसे वो हलवाई होते हैं वो मुफ्त में खाना खिला रहे हैं, जो कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है उनके लिए। बिल्कुल सही बात, इन्होंने एक बात सही बोली कि दहेज प्रथा के अंदर अगर दहेज प्रथा को ख़त्म करना है तो महिलाओं को सबसे पहले आगे आना चाहिए, जिससे उस पर अंकुश लग सके। आपकी क्या इस पर राय है? सर, दहेज प्रथा एक कलंक है, मतलब एक तरीके से अपने सामाजिक जीवन में और सब समाज में, और जो युवा है, युवाओं को भी एक शिक्षित, क्योंकि आप दहेज लोगे तो आपके लिए ख़राब ही है। युवाओं को एक तरीके से आगे आना चाहिए कि भैया अपने को नहीं लेना, अपन खुद लायक है ना, तो अपन सब कुछ कर सकते हैं। आप दहेज लेके क्या चाहते हो भाई? समाज के ऊपर एक तरीके से कलंक ही हुए, आप दहेज लेके क्या कर लोगे आगे जाके? इसलिए सही बात है कि दहेज से पूरी ज़िंदगी पार नहीं हो सकती, दुल्हनी दहेज मानना चाहिए लोगों को कि आज दुल्हनी दहेज है, उसी को उसी प्रथा पर अगर लोग चलेंगे तो शायद अंकुश लग सकता है। आपकी इसमें क्या बात राय है? सर देखो, दहेज की बात यह है कि दहेज का जो सीन है ये बढ़ता जा रहा है और आज ये कम नहीं हो रहा है, और दहेज के कारण इतनी बात हो जाती है कि तलाक तक चल जाती है, और इसके कारण दो परिवार के रिश्ते ख़त्म होते हैं, और इसके कारण जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका भविष्य भी ख़राब होता है और उनमें गले संकेत जाता है। इसलिए दहेज की प्रथा क्यों ख़त्म करना चाहिए? आज आप कोर्ट में जाओगे
तो दहेज के इतने केस चल रहे हैं जिसकी संख्या इतनी अधिक है और उसका दुष्प्रभाव अपन को न्यूज़ में रोज़ देखने को मिलता है और दहेज में इतनी रिपोर्ट आती है उसके बाद भी लोग नहीं सुधरते हैं। मेरी अपील है यहाँ के लोगों से कि जो दहेज मांगता है उसके ऊपर FIR कराइए और दहेज लेने वाले के घर में रिश्ता मत कीजिए, क्यों दो रिश्ता ख़राब होता है और आप जाइए तलाक कितने हो रहे हैं और बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है कि दहेज के कारण जो पीढ़ी होती है जनरेशन होती है इस पर प्रभाव गलत ही पड़ता है, इसलिए इस पर रोक तो होनी चाहिए। इसमें कानून क्या सख्त होना चाहिए? मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से अपन आसपास समाज में अपने वातावरण में ये जिस प्रकार की ये कुरूति है जिसको निपटाने के लिए सरकार ने कानून बना रखे हैं, लेकिन कानून बना रखे हैं लेकिन हवा हवाई उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो जो कानून है उनको ज़मीनी स्तर पर उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और उसके साथ साथ समाज को उसको उसको लागू करने में सहयोग करना चाहिए। और जो यंग जनरेशन है विशेष तौर से, क्योंकि शादी तो उन्हीं की हो रही है, तो उनको आगे होकर के इसको सहयोग करना, जैसे फ्रेंड सर्कल है या और कहीं जैसे कॉलेज है स्कूल है वहाँ पे इस प्रकार के कुछ क्रिएटिव प्रोग्राम्स होने चाहिए। तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके क्या नुकसान है, मानते हैं अपन कि ये अपने ही संस्कृति की एक देन है, लेकिन इसको अपन मिल करके इसको अपन ख़त्म कर सकते हैं और अपने मतलब आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उसमें काफ़ी अपन सुधार कर सकते हैं और अपन एक अच्छे स्वच्छ और सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं। मैं ये मानता बिल्कुल सही बात है कि अगर हम ही अगर जागरूक हो जाएंगे, युवा पीढ़ी जागरूक हो जाएगी, युवा वर्ग और युवा महिलाएं जो जागरूक हो जाएंगी तो हम वापस से एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने कि इसमें जो सरकार ने जो कानून और नियम बना रखे हैं वो एकदम ज़मीनी तौर पर सख्त होने चाहिए, उसमें तुरंत एक्शन होना चाहिए जिससे दहेज लोभियों के ऊपर अंकुश लग सके। सोमेश सिंह राठौड़ के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। तो अब सीधे रुक करते हैं जोधपुर का, जहां जोधपुर वासियों से हमारे संवाददाता ललित परिहार ने इसी मुद्दे पर बातचीत की है। क्या कुछ कहना है जोधपुर वासियों का, आइए आपको दिखाते हैं। दहेज प्रताड़ना पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं कचहरी परिसर। दहेज प्रताड़ना के मामले कोर्ट में लड़कर अंजाम तक पहुंचाने वाले वकील हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। दहेज प्रताड़ना के मामले अभी भी लगातार सामने आ रहे हैं, इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पाई है, क्या मानते हैं इसके लिए, क्या समाज में जागरूकता लाई जानी चाहिए और या जो सजा का प्रावधान है कानून है उसको कड़ा किया जाना चाहिए? दहेज प्रताड़ना के जो मामले हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक मामले तो बहुत ही झूठे मुकदमे होते हैं जो लेडीज़ लगा देती है अपने परिवार से तंग आकर या जो भी विरोध होता है। एक वो वास्तव में जो प्रताड़ित महिलाएँ होती हैं उनके लिए कानून अपना जो है वो थोड़ा सा रिबेल हो गया है, उसको थोड़ा सख्त करने की आवश्यकता है। मामले में अगर सत्यता है, सच्चाई है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर पहुंचती है कि नहीं इसके साथ वास्तव में दहेज प्रताड़ना कोई मामला हुआ है, तो उसमें ये जो अभी 41A का जो फ़ायदा दिया गया एक्यूज़ को, वो जो 41(1) का जो एक्यूज़ को फ़ायदा दे दिया है उसमें क्या है, किसी को अरेस्ट नहीं करना, विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं करना, इस मामले को थोड़ा सा हटाना चाहिए। एक्चुअली अगर प्रताड़ित महिलाएं कोई है तो पुलिस को ये अधिकार होना चाहिए कि उसके अंदर पुरुषों को अरेस्ट करें, अरेस्ट करके पेश करें, उनसे रिकवरी करें। अभी क्या समझौते के तहत मामला डाल देते हैं, दो महीने में ये ट्रायल चलती रहती है पुलिस थाने में, ना तो ये आगे आ पाता है मामला, ना दर्ज हो पाता है मामला, तो जो वास्तविक मामले हैं वो छुप गए हैं और झूठे मामले होने की वजह से जो प्रोटेक्शन मिला है एक्यूज़ को वो भी बढ़ गया, उसके मामले में सच्चे मामले जो हैं वो पीछे आ गए हैं। तो ऐसा कोई अब ना तो पुलिस के पास कोई प्रोटेक्शन है ना और कोई कर सकता है, तो वो सच्चे मामले कैसे अपन लेके आए? सच मामला अगर है तो इस कानून को थोड़ा कड़ा करना चाहिए, इसे इन्वेस्टिगेशन में ध्यान रखना चाहिए। और झूठे मामले में जिस तरीके से लिबरेटी हुई है तो ये मामला चलते रहेंगे, कानून बढ़ता रहेगा, आगे और मुलजिमों को फायदा मिलता रहेगा और वास्तव में जो प्रताड़ित महिलाएँ हैं उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। आप क्या कहेंगे? जहाँ तक दहेज प्रताड़ना के मामले में कानूनी स्थिति का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि पहले से ही जो है वो विधायिका ने इस संबंध में काफ़ी प्रावधान कर रखे हैं। आप देखेंगे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है वो बहुत पहले ही बन चुका था। उसके बाद अभी आप देखें तो 498 के जो मामले हैं उसमें दहेज प्रताड़ना के मामले दर्ज किए जाते हैं, लेकिन अभी आप देखें कि इसके अंदर समाज के लोगों की सोच में भी काफ़ी बदलाव की ज़रूरत है और जहाँ पर ये दहेज की मांग और की जाती है ये पहले से ही जो है एक आपराधिक कृत्य है, तो कानून में संशोधन की बात करें तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, पहले से कानून जो है वो मौजूद है। लेकिन आप देखें कि इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, तो उसमें
कई मामले ऐसे आए हैं जहाँ की इस कानून का दुरुपयोग भी हो रहा है, लेकिन जहाँ तक अभी आप देखें कि जो उच्चतम न्यायालय ने जो दहेज प्रताड़ना के मामलों में कई आदेश दिए हैं, और जिसमें ज़्यादातर अभी आप देखें तो उनमें आरोपियों की या ससुराल पक्ष के लोगों की जो है वो गिरफ्तारी नहीं हो पाती, तो ये ठीक है कि वो देखा जाएगा विचारण के बाद कि मामला झूठा है या सच्चा है, लेकिन इसमें दिक्कत आने वाली है, जो ये दिक्कत आ रही है अभी वो देखें कि जो स्त्री धन है महिला का, वो स्त्री धन की बरामदगी जो है उसका प्रतिशत काफ़ी गिर चुका है, और कई महिलाओं को हम थानों में सुबह एसपी के पास और उच्चाधिकारियों के पास वो घूमती नज़र आती है कि उनका बड़ा इशू रह जाता है कि उनकी रिकवरी जो है वो समय पर नहीं हो पा रही है। कारण देखें तो वैचारिक मतभेद देखें, जो महिलाएं जो है वो स्वयं भी आजकल जो है स्वावलंबी हो गई है, अपने पैरों पर खड़ी है, तो वो किसी के अधीन भी नहीं रहना चाहती, और कंप्रोमाइज़ होना लगभग पति पत्नियों के बीच में समझौता और किसी को भी झुकना मंजूर नहीं है, इस कारण से भी काफ़ी विवाद जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। पति पत्नी के बीच जो विवाद हैं वो दहेज प्रताड़ना में ही दर्ज किए जाते हैं। जी देखिए, आप देखिए ये एक घरेलू हिंसा का भी अधिनियम जो बना रखा है, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आप देखें तो किसी भी तरह की घरेलू हिंसा जो है वो महिलाओं के साथ अगर हो रही है उसके लिए बहुत अच्छा प्रावधान जो है वो 2005 के अंदर जो है वो इसका कानून पास हो चुका है, और दहेज प्रताड़ना के मामलों के रूप में सामने आता है। हालांकि इसको लेकर घरेलू हिंसा अधिनियम भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मुकदमे जो है वो दहेज प्रताड़ना में दर्ज कराए जाते हैं। दहेज प्रताड़ना कानून को जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं जिन्होंने बात की कि कुछ सुधार की भी ज़रूरत है, और एक साथी ने यह भी माना कि यह कानून पर्याप्त है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है इसका वो सही तरीके से किया जाए। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज़, जोधपुर। बोलियो राजस्थान में आज मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज़ राजस्थान।